लर्निंग कैसे वर्क करती है ये देखिएगा, एनालिसिस आया था चार्ट के साथ और आपको बताया गया कि देखिएगा यहाँ पे 80 पॉइंट मार्केट डाउन जाएगा 9:09 पे। तो आपको बताया गया था मार्केट गैप अप खुला था, ओवरबॉट था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 पॉइंट्स डाउन देखने को मिला आपको 9:21 पे। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, आप देख सकते हो BQ प्राइम, अडानी पावर और आप जानते हो अडानी के स्टॉक से रिलेटेड एक नहीं दो बड़ी अपडेट है, दो बड़ी अपडेट है और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको इस बात से देखिएगा समझ में आ जाएगा कि जो रिजल्ट है वो ओवर 9-fold ऑन 1 time गेन। तो आप समझ सकते हैं इतनी ज्यादा हायर सेल हुई है। तो एक नहीं, अब जैसे आप एक्सपेंशन करोगे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर दी इन्होंने। अभी इनके रिजल्ट आए थे तो उसमें नॉमिनल देखिएगा गेन देखने को मिला था, लेकिन अडानी पावर चूंकि इनका जो पूरा ग्रुप है उसमें 2-4 कंपनियां नेक्स्ट टू लेवल के प्रॉफिट दे रही हैं। तो आप देख सकते हो अडानी विलमार ने जो नहीं किया वो अडानी पावर ने यहां पे करके दिखा दिया है। और आप देख सकते हो यहां पे जो प्रॉफिट आए हैं तो एक साल पहले कितने थे, आप देख सकते हो यहां पे एक साल पहले जो प्रॉफिट 696 CR थे, यानी कि 696 करोड़ थे, आप देख सकते हो यहां पे वो आज हो गए हैं 6594 करोड़। तो आप समझ सकते हो 9 times यहां पे इंक्रीमेंट मिला है आपको। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप देखोगे यहां पे 9 time इंक्रीमेंट कितनी बड़ी बात होती है कि रेवेन्यू में ही केवल 84% का जंप आया है। रेवेन्यू 84% 7000 करोड़ के आसपास थे, 13000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इबिटा अगर आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे क्योंकि इबिटा 445% बढ़ा है। कितना? 445%। और जो 948 करोड़ का था एक साल पहले वो हो चुका है 5000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी पॉजिटिव अपडेट है अडानी स्टॉक के लिए कि अब तक की इस साल की सबसे अच्छी अपडेट है, इस साल की जाते जाते सबसे अच्छी अपडेट है। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 13% थे, वो हो गए हैं 40%, पूरे 40% हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 600-700 करोड़ के प्रॉफिट जो थे वो 6500 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम में इतने अच्छे रिजल्ट आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हायर पावर ऑफ टेक बाय मुद्रा उदुप्पी रायपुर महलन पावर जितने भी प्लांट हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देखिएगा कैपेसिटी के साथ काम किया और यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और यहां पे सेकेंड बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अडानी को मिल सकता है 14000 करोड़ का लोन। तो आप देख सकते हो यहां पे पैसे के एक्सपेंशन के लिए अडानी हमेशा लगे रहते हैं और चीजों से चीजें बनाते हैं, लेते हैं नो डाउट, देखिएगा फंड रेज करते हैं मार्केट से लेकिन उससे अच्छी चीजें बनाते हैं। तो आप देख सकते हो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स इन टॉक्स फॉर 15000 करोड़ के आसपास लगभग देखिएगा लोन की बात चल रही है। और अगर ये लोन पास हो जाता है, लोन डील क्लियर हो जाती है तो ये पूरे अडानी ग्रुप के लिए वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव फैक्टर होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस समय इनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इन्वेस्टर का फेथ बनाए रखना, बस और कुछ नहीं। तो आप यहां पे देख सकते हो पूरी तरीके से $1.8 billion की लोन को बोरो करने के लिए इनकी लगातार बात चल रही है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर इनको ये लोन मिल जाता है तो ये अडानी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर होगा। क्या होगा? बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हो इसका असर पड़ेगा जितने भी PSU बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिएगा इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक,
जितने भी देखेगा बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके लिए अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्होंने काफी एक्सपोजर लिए हैं बैंकों से। तो अगर अडानी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए भी वो चीज अच्छी हो रही होगी। तो इस पर्टिकुलर अपडेट का इंपैक्ट आपको अगले हफ्ते पढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बी रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच।